अब वजन घटा है और प्लान बढ़ा है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि वजन जो घटा है उसको लेकर सियासत हो रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्लान बढ़ा क्या है इसमें? दरअसल कि इसी को यहां पर लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे हैं, अब आपके वजन को लेकर के पार्टी में अनबन की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों, जरा ये भी जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहे किस तरीके से आपको कि ये कहा जा रहा तिहाड़ की ओर से कि जेल में अरविंद केजरीवाल जानबूझकर वजन कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना वजन जानबूझकर कम कर रहे हैं। आपने पहले देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के आम खा रहे थे, शुगर लेवल बढ़ गया था, तो उनकी डाइट को लेकर के स्क्रूटनी की गई। अब खबर निकल के ये आ रही कि वो अपना वजन खुद कम कर रहे हैं। क्यों? अक्सर घर से बनकर आया खाना वापस कर देते हैं केजरीवाल। वो अपनी मर्जी से जो घर से खाना बन करके आता है उसको वो वापस लौटा देते हैं। पहले जानबूझकर ऐसा खाना खाते थे जिससे शुगर बढ़े। आपने सुना भी होगा, हमने बताया भी था आपको कि अरविंद केजरीवाल घर से आए आम खाते हैं, देसी घी खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ गया था। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से निकल के खबर सामने आ रही है, केजरीवाल की सेहत पर एम्स के मेडिकल बोर्ड की भी निगरानी है। चूंकि वो दिल्ली के मुखिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लिहाजा उनकी सेहत की चिंता जो है लगातार की जा रही है। और एम्स की जो बोर्ड है, मेडिकल टीम, वो यहाँ पे केजरीवाल की पत्नी के संपर्क में भी है। तो जो सुनीता केजरीवाल है, जिनके मौजूदगी में ही तमाम मेडिकल चेकअप होते हैं, वो मेडिकल बोर्ड के संपर्क में भी है। सारी बातें, सारी जानकारी केजरीवाल के सेहत से जुड़ी हुई उनको अपडेट की जाती है, बताया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हो उनके परिवार से। उनके परिवार को पता है कि वजन कम कितना, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है। केजरीवाल के वजन पर झूठ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सारी जानकारी गृह मंत्रालय और GNCTD को भी दे दी गई है। ये तिहाड़ की ओर से बात साफ कर दी गई है। तो ये भी कहा गया कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी की ओर से बातें कही जा रही हैं केजरीवाल के वजन को लेकर के, दरअसल वो भ्रम फैला जा रहा है। तिहाड़ प्रशासन की ओर से पूरी जानकारी जो जिम्मेदार विभाग है उनको दे दी गई है। गलत नैरेटिव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये भी कहा गया तिहाड़ प्रशासन की ओर से कि आप गलत परसेप्शन यहाँ पर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दरअसल अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जेल में जिस तरीके से उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस बीच दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, तो वही जेल से बाहर दिल्ली में पानी से लेकर बिजली से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राजनीति भी खूब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है? कभी पानी की दिक्कत पर बवाल, कभी राजधानी पानी पानी हो तो बवाल, कभी आम पर बवाल तो कभी जाम पर बवाल, हर रोज बवाल ही बवाल। दिल्ली में सियासत खास नहीं आम है। शराब घोटाले में तिहाड़ की रोटी तोड़ रहे केजरीवाल को लेकर हर दिन नए नए अपडेट आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल को तिहाड़ से निकालने के लिए हर रोज नए नए पैतरे अपनाती है, तो वहीं केजरीवाल की हेल्थ को लेकर भी काफी चिंतित दिखाई देती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये चिंता कितनी सही है ये सोचने वाली बात है। देखिए, केजरीवाल साहब तो शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, उनके अपनों को उनकी स्वास्थ्य की चिंता है। केजरीवाल के अपनों का आरोप है कि केजरीवाल का वजन हद से ज्यादा कम हो रहा है। तिहाड़ प्रशासन ने बाकायदा इस पर सफाई देते हुए केजरीवाल की तिहाड़ में वजन वाली कुंडली जारी कर दी है। बवाल तो इस पर होने लगा है। खैर, अब इन सब के बीच दिल्ली वाले ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली में आखिर ये चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री घर से महंगे आम मंगवाते हैं, खाते हैं और फिर वो आम खाकर शुगर का लेवल बढ़ा लेते हैं। गजब करते हैं सीएम साहब। और बाद में बवाल क्या होता है? तिहाड़ में केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ गया है। अब आप लोग ही सोचिए, अगर आम खाएंगे तो काहे नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल? जिस इंसान को डायबिटीज हो वो आम खा रहा है। चलिए वो छोड़िए, ये सुनिए केजरीवाल साहब के वजन को लेकर एक बार फिर अपडेट आ गया है। साहब बिल्कुल फिट हैं, वजन में सिर्फ 2 किलो की कमी आई है। ऐसे तो हम हो या आप, हर इंसान वजन कम करने के लिए आए दिन 36 तरीके के नुस्खे अपनाता है। खुद को फिट रखने के लिए समय निकालकर वजन कम कैसे हो ये सोचता है। खैर, दिल्ली में ऐसा नहीं है, केजरीवाल का वजन 2 किलो कम हुआ है। तो आम आदमी पार्टी ने मोर्चा ही खोल दिया है, 2 किलो वजन कम को 8.5 किलो वजन कम बता दिया है।
अब आप ये सोच रहे होंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल का वजन बार बार कम कैसे हो जाता है, तो सुनिए तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि साहब घर से आया हुआ खाना भी नहीं खा रहे हैं, अक्सर घर से बनकर आया खाना वापस लौटा देते हैं। आखिर आप ही सोचिए, क्या केजरीवाल पहले जानबूझकर आम खाते थे जिससे शुगर लेवल बढ़ा, जानबूझकर खाना नहीं खा रहे ताकि वजन कम हो जाए? तो सवाल ये कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल चाहते क्या हैं? कभी जेल में बवाल तो कभी सड़क पर बवाल, आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सेहत में कि अगर जब बात करते हैं हम तो वजन तो घटा है लेकिन प्लान बड़ा है, और शायद यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर के आर पार दिखाई दे रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। सीधे रुख करते ग्राउंड जीरो का, हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी कोमल दिल्ली से। कोमल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर की चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने तो आम आदमी पार्टी के सारे दावे की पोल खोल दी है, चार्ट जारी कर दिया वजन का और बताया कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत नैरेटिव मत फैलाइए। बिल्कुल अनामिका, देखिए केजरीवाल के वजन को लेकर के सियासत तेज हो गई है, लेकिन इसके पहले भी अगर हम बात करें तो शुगर लेवल जो बढ़ने की बात हुई थी उस दौरान भी देखिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये खुलासा किया था कि बकायदा आम खा रहे हैं और डायबिटीज है लेकिन आम खा रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर उनका शुगर लेवल बढ़ेगा। और अब वजन को लेकर के बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी कितना बढ़ा चढ़ा करके बता रही थी, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने खुलासा किया है, एम्स की तरफ से भी खुलासा हुआ है कि सिर्फ 2 किलो वजन उनका डाउन हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी से बढ़ा करके 8.5 किलो बता रही थी। इस बीच देखिए गौर करें तो एक बात और भी है अनामिका की, जब भी देखें जब जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली होती है तो ऐसे में उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ऐसे में वजन घट जाता है, तो तरह समय समय पर देखिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस तरह की जो है एक स्टोरी गढ़ती रहती है, स्टोरी से मनगढ़ंत कहानियां फैलाती रहती है। इसे लेकर के देखिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से भ्रमित ना करें लोगों को, लोगों के बीच इस तरह से भ्रम ना फैलाए कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है, उनका वजन कम हो रहा है। यानी एक तरफ से देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है। जितनी बार भी आपने आरोप लगाए, जितनी बार भी सवाल खड़े किए, उतनी बार तिहाड़ ने अपनी ओर से जवाब दिया, बताया और साथ ही ये भी कहा कि दरअसल सेहत की जो रिपोर्ट है उनकी पत्नी को दी जा रही है। हालांकि इस बीच जो मुख्यमंत्री का वजन है कब कब घट रहा है बढ़ रहा है ये अपने आप में चिंता का विषय तो है, आम आदमी पार्टी चिंता भी कर रही है, लेकिन जितना वजन बढ़ा या घटा ये जो पूरा का पूरा चार्ट है ना ये यहाँ पे जारी कर दिया गया है तिहाड़ की ओर से। अब जरा देख लीजिए, जो 1 अप्रैल की तारीख थी उस दिन अरविंद केजरीवाल का वजन था 65 किलो, जो पहले भी बताया हमने आपको। 3 अप्रैल को भी वजन था 65 किलो, यानी कि कोई फर्क नहीं आया था। 8 अप्रैल को वजन बढ़ा 1 केजी, वो 66 केजी के हो गए, लेकिन इसी के साथ साथ 16 अप्रैल को 1 किलो वजन घट गया, फिर वो 65 केजी के हो गए। इसके बाद 29 अप्रैल को वो 66 केजी के हो गए। तो देखिए एक एक केजी का जो फ्लक्चुएशन है देख रहे हैं वेट में आप, ये कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सामान्य है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी कह रही है कि दरअसल बड़ा मुद्दा है ये। अब देखिए 9 मई को जो वजन था वो 64 किलो हो गया था, 1 केजी कम हो गया। 2 जून को 63.5 केजी हो, यानी कि कुछ वजन घट गया उनका। 3 से 5 जून के बीच जो उनका वजन था वो 63.5 किलो हो गया था। इसी के साथ साथ 6 से 12 जून के बीच अरविंद केजरीवाल का वजन 63 किलो हो गया था। 13 जून को जो वजन था वो 64 किलो हो गया, 1-2 केजी का फर्क आता रह रहा है देख लीजिए आप। 14 जून को 63 किलो उनका फिर से वजन हो गया था। इसके बाद 15 जून का वजन थोड़ा कम हुआ और वो 62.5 केजी के हो गए। इसके बाद आगे बात करते हैं, 16 जून को केजरीवाल ने यहां पर मना कर दिया था, ये भी कहा दरअसल उनकी ओर से कि जो अपना वजन है वो नहीं करवाएंगे। 17-18 जून के बीच जो उनका वजन था वो 62.5 केजी हो गया, तो जो वजन है उनका 1-2 केजी ऊपर नीचे हो रहा है। 19 जून को वो 62 केजी के अभी थे वो फिलहाल। 20-24 जून को जो उनका वजन था वो 5 पॉइंट बढ़ा था, कुछ पॉइंट्स में बढ़ा था। 20-24 जून के बीच वो फिर से 62 केजी के हो गए। 29 जून से 2 जुलाई के बीच जो उनका वजन था वो 62 किलो था। 3 से 11 जुलाई के बीच जो उनका वजन वो 61.5 किलो। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, 12 जुलाई को जो उनका वजन था ये 61 किलो हो गया था। तो देखिए 1-2 केजी ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। फिर बात करते हैं जुलाई की, जो महीना चल रहा है 13 जुलाई, इस दिन इनका वजन था 61.5 केजी। 14 जुलाई को भी सेम यही वजन था 61.5 केजी। इसके बाद जिस तरीके से जो वजन है, यानी कि जो बहुत लेटेस्ट अपडेट है उनके वजन को लेके हमने वो बताया आपको,
हर दिन के साथ अरविंद केजरीवाल का जो वजन है यहाँ पे वो तिहाड़ प्रशासन की ओर से जारी किया जा रहा है। बताने का ये प्रयास कि जो तिहाड़ प्रशासन है वो हर दिन मुख्यमंत्री का वजन ले रहा है, अपडेट कर रहा है, उनकी पत्नी को बता रहा है, जो एम्स की मेडिकल बोर्ड की टीम है उनको भी अपडेट कर रहा है। जो फ्लक्चुएशन है वजन में वो 2-4 kg का ही है, 2 kg वजन कम हुआ है, इसको लेके तिहाड़ प्रशासन ने ये बात स्वीकार की है। लेकिन इस 2 kg को पार्टी ने बना दिया 8.5 kg, और शायद यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है।